बिलासपुर चीनी मिल को भाजपा सरकार की बड़ी सौगात, चीनी मिल को दिया 25 करोड़ रुपया, किसानों को मिल रहा है बकाया। यूपी के रामपुर में भाजपा के राज्य मंत्री बलदेव सिंह वालक ने अपनी विधानसभा में चल रही रुद्र बिलासपुर चीनी मिल को 25 करोड़ रुपया दिया है, जिससे किसानों का बकाया उन्हें दे दिया गया है। अब चीनी मिल को किसान बड़ी तेजी के साथ गन्ना दे रहे हैं, किसानों को चीनी मिल से बड़ी राहत हो रही है। इस मामले में हमने चीनी मिल के GM राजेश जी से बात की तो उन्होंने कहा कि किसानों को उनका गन्ने का बकाया भुगतान दे दिया गया है और अब तक हमने 5,27,000 गन्ना क्रश कर दिया है और हम लोग 10 रिकवरी के हिसाब से चल रहे हैं। 48,000 चीनी की बोरी बना ली है, लगातार अब चीनी मिल चल रही है और किसानों के गन्ना खरीदा जा रहा है। प्लॉट अच्छा चल रहा है और नंबर एक की चीनी बन रही है और व्यापारी की मांग भी ज्यादा है। हमने जो क्रश कर लिया है 5 लाख से ऊपर गन्ना क्रश कर लिया है, 5,27,000 के अलावा, और हम लोग 10 रिकवरी के हिसाब से चल रहे हैं। इस समय चीनी पड़ता मेरा 10 है, 10 के हिसाब से हमने लगभग 48,000 किलो का बोरी बना लिया और किसानों को हमने 17 तारीख तक का पेमेंट जो किया है 8 करोड़ से ऊपर हो गया, 8 करोड़ 10 लाख के लगभग कर दिया है और हम बहुत जल्दी और पेमेंट भी कर देंगे। जैसे गवर्नमेंट की नीति है 14 दिन के हिसाब से हमने अभी 17 तारीख तक कर दिया, 3-4 दिन का पेमेंट बचा वो और हम कर देंगे। बाकी का पेमेंट जो है कितना रहेगा, कितने प्रतिशत रहेगा किसानों का? किसानों का 14 दिन की नीति के हिसाब से हम 14 दिन का वही लेके चल रहे हैं। किसानों को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।